हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर डुपर मल्टीप्लिकेशन ट्री। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक काम कैसे करती है एक एग्जांपल से समझते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, तो ही आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में लेते हैं। 197 को 195 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, 197 को 195 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये है शॉर्टकट ट्रिक। ओके, जैसे ये इस टाइप को मल्टीप्लिकेशन आपको करना है विद इन 2 सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम टाइम में, चलिए आज मैं आपके लिए ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लेके आई हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये 197 किस नंबर के आसपास है। सबसे पहले हम इसमें इस नंबर में बेस मानेंगे, तो ये 197 किसके आसपास है, 200 के आसपास है। ओके, ये भी 195 200 के आसपास नंबर है, तो हम सबसे पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेस मानेंगे, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 200। बेस क्या हो गया हमारा, 200। ओके, इस बेस पे हम सारे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना, 197 200 से कितना कम है, -3। 195 200 से कितना कम है, -5। ओके, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 से क्या होता है, 15 होता है, हम 15 लिख देंगे। अब क्या करना है, 197 में 5 माइनस कीजिए, या 197 में 5 माइनस कीजिए, या 195 में 3 माइनस कीजिए, हमारा आंसर सेम आने वाला है। तो 197 में 5 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 192। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। क्या करिए, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। बीच में क्या करेंगे, हम बीच में हम यहाँ पे ऐसे स्लैश दे देंगे। अब क्या करना है, बेस हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो इसको इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो 2 2 4, 2 9 18, कैरी 1 202, कैरी 3, यानी 384। यहाँ पर ये 15 जो नंबर है हम लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 38,415। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 192 को 199 से मल्टीप्लाई करना है, ये है वैदिक मैथ ट्रिक। सबसे पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस नंबर में देखना है, ये 192 200 से कितना कम है, -8, ये -1। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 में 1 से, 8 1 8, पर जो भी नंबर हमको लिखना है वो 2 डिजिट में लिखना है, 08। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे स्लैश दे देंगे। अब 192 में 1 माइनस करें तो 191 हो गया। ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमारा बेस 200 है, तो इसमें नंबर जो है 2 है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, 2 1 2 2 9 18 की 1, कैरी 1 2 1 2, यानी 3। ओके, यहाँ पर हम 08, यानी हमारे आंसर क्या हो गया, 38,208, 38,208, 38,28, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं 194 को 195 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको देखना है ये 200 से कितना कम है, माइनस से ये 5। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 5 से क्या आता है, 30 होता है। ओके, बीच में हम ऐसे स्लैश दे दिए, 194 में से हम 5 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 189 हो जाएगा। अब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 का 8, कैरी 1, 2 8 16, कैरी 17 का 7, कैरी 1, 2 1 2, कैरी 3, यानी 378। ये 30 हम एज इट इज लिख देंगे, यानी हमारा 37830, 37830, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 193 को 198 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन करने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।